वर्सेस बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मुकाबला, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो दूसरा टेस्ट मुकाबला है वो मुकाबला ज्यादा देर तक तो चला नहीं, क्योंकि जब पहले टॉस हुआ रोहित शर्मा ने गेंदबाजी का फैसला किया, इनमें लगभग 100 ओवर का लगभग खेल हो जाता था, वहीं 100 ओवर से ज्यादा का खेल हो जाता था, वहीं जो है मात्र 35 ओवर का जो है वो खेल हुआ। उसके बाद खेल को रोकना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, लो लाइट हो गया, लो लाइट के कारण जो है वो मुकाबले को बंद कर दिया गया, और साथ में जो है बारिश हो रही है और फील्ड गीली होते जा रही है। वैसे पिच को ढका हुआ है, अच्छे से ढका गया है ताकि पिच में जो है वो पानी ना घुसे। अगर पिच में पानी घुस जाती है तो फिर मुकाबला ही नहीं होगा। तो फील्ड जो है वो भींगते जा रहा है, ढका हुआ भी है, लेकिन काफ़ी तेज बारिश भी हो रही है। और आप लोग सोच सकते हैं जहाँ एक दिन में टेस्ट क्रिकेट में 100 से भी ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, वहाँ जो मात्र 35 ओवर का मुकाबला हुआ है। और अब जो मुकाबला है दूसरे दिन की जो बात आ रही है, पहला दिन तो जो है वो रुक गया मात्र 35 ओवर में, लेकिन दूसरे दिन की जहाँ बात आ रही है, बताया जा रहा है कि दूसरे दिन मुकाबले को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि बारिश की काफ़ी ज़्यादा जो है वो संभावना है। मुकाबले को कानपुर के ग्रीन पार्क के स्टेडियम में खेला जा रहा है और बारिश की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। वहीं इंडिया वर्सेज बांग्लादेश का जो दूसरा मुकाबला है वो रद्द हो सकता है, रद्द होने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मुकाबले को लेट स्टार्ट किया गया। वैसे बताया जा रहा है कि मुकाबला जैसे 9:30 बजे से स्टार्ट होता था, लेकिन मुकाबला जो है वो 8:45 से ही शुरू हो जाएगा। आप लोग डे टू में जब मुकाबले को देखेंगे तो 8:45 में ही सुबह में ही मुकाबले को शुरू कर दिया जाएगा, ताकि जो है बारिश थोड़ी लेट अगर स्टार्ट होती है तो मुकाबले जितना हो सके बस मुकाबले को करा दिया जाए। इस प्रकार से जो है वो सेलेक्टर सोच रहे हैं, उस प्रकार से जो टीम मैनेजमेंट है, दोनों टीम के जो मैनेजमेंट है वो चाह रहे हैं कि मुकाबला जो है हो जाए, क्योंकि WTC में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा अगर टीम इंडिया जीत जाती है। तो अगर टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत जाती है तो WTC के लिए मात्र और 3 ही मुकाबले टीम इंडिया को जीतना होगा, क्योंकि 5 मुकाबले जीतने थे जिसमें से 1 मुकाबला टीम इंडिया जीत चुकी है और 4 मुकाबले टीम इंडिया को जीतने हैं। तो अगर मुकाबला कराया जाता है और टीम इंडिया के मुकाबले हो जाते हैं और टीम इंडिया अगर मुकाबला जीत जाती है तो मात्र 3 मुकाबले बचेंगे WTC के लिए टीम इंडिया की। वैसे भी टीम इंडिया को काफ़ी सारे टेस्ट मुकाबले खेलने हैं, तो अगर जीत जाती तो मात्र 3 मुकाबला जीतना होगा, उसके बाद टीम इंडिया जो है WTC के फाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन यहां जो मुकाबला है वो बारिश से पूरी तरह घिर चुकी है और मुकाबला कैंसिल होने यानी रद्द होने का जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा है।